पीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,82,000 से ज्यादा मामले आए सामने। पत्नी बेटे बेटी की हत्या कर खुद को लगाई फांसी, कर्जबाजारी से त्रस्त व्यवसायी ने उठाया घातक कदम। प्रॉपर्टी डीलर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचे प्लॉट, 2,40,00,000 की धोखाधड़ी। रॉबर्टसन में चौथी लाइन के लिए लिया मेगा ब्लॉक, नागपुर आने वाली 6 ट्रेनें रद्द, कई चलेगी लेट। स्टेशनरी घोटाला, मनपा कर्मचारी संघ ने की मांग, कहा अधिकारियों ठेकेदारों का हो नार्को टेस्ट। सत्र न्यायाधीश ने जारी किए दिशा निर्देश, 2 शिफ्टों में होगा जिला न्यायालय का कामकाज। कोरोना की सेल्फ टेस्ट किट से जांच वालों का रिकॉर्ड नहीं, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही जानकारी, सही परिणाम की गारंटी नहीं। अवैध रेत ले जा रहे 2 ट्रक जब्त, 40,56,000 का माल जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। अब डेंटल कॉलेज में भी पीजी की क्लासेस बंद, भत्ता बढ़ाने की मांग, आज देंगे गाइड पद से इस्तीफे। प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि में अंतर से ग्रामीणों का सपना अधूरा, पुनर्सर्वेक्षण व पुनर्निर्धारित करने की मांग। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।